पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकारिणी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस दौरान इंदौर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल चर्चा में बताया गया कि अब नए रूप में एक छोटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें नए चेहरे युवक के साथ महिलाएं भी दिखेगी और जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं को लिया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। पदों को लेकर समिति बन करेगी क्या? कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभा शेखर जी ने इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी को कार्यकारिणी को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दी है। अब आने वाले समय में हम सर्वप्रथम एक तो छोटी कमेटी बनाएंगे और साथ में ऐसे कार्यकर्ता ऐसे हमारे साथियों को उस कमेटी में लेंगे जो जमीनी के रूप में काम करते हों, जो कांग्रेस की रीति रीति में विश्वास करते हों, जो कांग्रेस में विश्वास करते हों और जो 24 घंटे कांग्रेस के लिए समर्पित हो, ऐसे साथियों को हम इस बार कमेटी में लेंगे और कमेटी बहुत छोटी बनेगी। इसमें कुछ नए चेहरे भी दिखे, कांग्रेस हमेशा बोलती है कि नए चेहरे आपकी जो कार्यकारिणी सदस्य बैठक होगी इसमें नए चेहरे आएंगे? बिल्कुल, नए चेहरे भी आपको दिखेंगे और युवा चेहरे भी दिखेंगे और इस बार महिला भी दिखेंगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।